मोदी जी पैदा नहीं हुआ तो हिंदुस्तान नहीं था क्या? नहीं है तो मोदी वक्त पर क्या फायदा है इसका? रोजगार चाहिए और हमें महंगाई कम चाहिए, सीधी सी बात है। मोदी है तो हमें, मोदी नहीं तो कुछ भी नहीं। मोदी जी के राज में मोदी जी के भक्त ऑटो चला रहे हैं। उनका कहने का मतलब ये है कि मोदी जी कोई इकलौते वो नहीं है। अरे गुटका थूक रहे हैं इस पे भाई साहब। गुटका क्या है? संविधान के हिसाब से देश में कुछ भी नहीं हो रहा। जिस हिसाब से देश का नुकसान हो रहा है, मोदी जी को हम 2024 में नहीं जिताएंगे। ऑलवेज मोदी, ऑलवेज मोदी, ऑलवेज। मैं तो ये कहूंगा घोड़ों को नहीं मिल रही घास, गधे खा रहे चमपरास। मोदी जी ने परमाणु अटैक 40 बंदे मरवा डाले, कुछ नहीं है भाई, कुछ नहीं है, वही हाल है। इसके पहले जब वो थे राज्यपाल तब क्यों नहीं बताए कि इतना आरडीए दबाव था? दबाव राहुल गांधी या मोदी जी? मोदी जी और कौन? मीडिया पे भरोसा नहीं रोजी रोजगार तो कोई छोड़ा ही नहीं है सरकार ने, गरीब आदमी तो मरता मर ही रहा है। नमस्कार, मैं शिखा सिंह, अभी मैं दिल्ली के सीपी में मौजूद हूँ और आप देख रहे हैं जनहित आवाज। हमने बात की अभी राहुल गांधी जो है विदेश गए हुए हैं और वहाँ पे उन्होंने तमाम तरीके की बात कही है मोदी जी को लेके। उन्होंने क्या कुछ कहा है हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले आप देख लीजिए हम कहाँ पे हैं और हमारे चारों ओर बहुत सारे लोग हैं। हम इनसे बात करेंगे मोदी जी वर्सेस राहुल गांधी में, राहुल गांधी पसंद है या मोदी जी। हालांकि आपको बता दें कि राहुल गांधी विदेश में है और उन्होंने कहा है एक सभा में कि मोदी जी ऐसे व्यक्ति हैं जिनको भगवान के साथ भी बिठा दिया जाए और अगर बात करने को छोड़ दिया जाए तो वो भगवान को भी समझा देंगे, इतने काबिल मोदी जी हैं। उसी पे राहुल गांधी के इस बयान पे यहाँ पे बीजेपी के जो नेता है उन्होंने कटाक्ष करते हुए कहा है कि राहुल गांधी ने ठेका ले रखा है विदेशों में भारत को बदनाम करने का। इस पे हम लोगों की राय लेंगे कि क्या कुछ कहना चाहते हैं यहाँ के आम जनता जो सीपी पे मौजूद है, यहाँ पे हम उनसे बात करेंगे। आप कांग्रेस को पसंद करते हैं राहुल गांधी को? देखो जो अच्छा काम करेगा हम तो उसी को पसंद करेंगे, वो तो काम ही नहीं कर रहे क्योंकि कोई करे या ना करे। देखो जी जो बीजेपी सब ने ये सोचा था कि मैं 15,000 लोगों को 15 लाख रुपया लोगों को देंगे तो लोग लालच में उनको जिता दिया, तो 15 लाख भी ना मिले और ना नौकरियां मिली, लोग बेरोजगार घूम रहे हैं। पकौड़ा तलने के लिए तो कहा गया वो सब बोलेंगे ना, वो धीरे धीरे सब पकोड़े भी साथ में आ जाएंगे और मिर्च वाले पकोड़े भी आएंगे साथ में। मटर की गैस से आप चाय भी बना सकते हैं आप जी, उनके घर में अग्निवीर योजना भी है। नहीं मैडम जी, उनके घर में बनता होगा ना, उनके घर में बनता होगा जो कि गटर के गैस से उनके घर में बनता होगा तो हमारे घर में भी बनेगा। भारत का नाम विश्व पटल पे रोशन हो रहा है मोदी जी के वजह से ना। देखो जी कोई भी ऐसा प्रधानमंत्री नहीं है कि देश में कोई काम ना करता हो, सारे प्रधानमंत्री आएंगे जो अच्छे पढ़े लिखे पहले थे वो ये नहीं चाहता कि मेरे देश के अंदर मैं अटैक करे। कोई भी प्रधानमंत्री ऐसा नहीं चाहता कि मेरे इस देश के अंदर कि एक ही यही प्रधानमंत्री अटैक करवा दिया। किसने? इसने ना अभी पुलवामा अटैक करवा। इनका कहने का मतलब ये है कि मोदी जी कोई इकलौते वो नहीं है। अरे गुटका थूक रहे हैं इस पे भाई साहब। गुटका क्या है? ये तो लाल हवेश। अरे नहीं, किसने अटैक करवा दिया? तो ये मोदी जी ने परमाणु अटैक 40 बंदे मरवा डाले तो किनने करवा डाले बोलो? ये तो अपने सीट की ये मोदी जी ने करवाया है और कौन करवाएगा? अच्छा, बहुत अच्छा बोले। मोदी जी ये चाहेंगे कि अपने देश के जनता ही को मारे? नहीं नहीं, ये गलत बात है। इन दोनों की, अच्छा सुनिए सुनिए सुनिए, आप दोनों की सुनिए भाई, कुछ नहीं है, वही हाल है, वही हाल है। इन लोगों के लिए मैं बता दूं कि इन्होंने पुलवामा हमले पे जो भी कहा है उससे पहले जो कश्मीर के गवर्नर थे सत्यपाल मलिक, उन्होंने कहा है कि मोदी जी को पता था कि वहाँ पे 300 टन जो है वहाँ पे आरडीएक्स है। इस पे आप क्या कहेंगे? फिर भी उनको आपने इंटरव्यू नहीं देखा है? नहीं वो नहीं देखा, मैंने देखा है झूठ। अरे सत्यपाल मलिक वो आगे कहा? नहीं नहीं नहीं, वो उस पर भ्रष्टाचार का वो लगाया ना तो उन्हें अपने बच्चे ये जान दे नहीं कहा भ्रष्टाचार नहीं 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 हम बहुत आप जानते नहीं है? हां क्या राज्यपाल थे कश्मीर के? उन्होंने हटाई दी धारा 370 जब उसने कहे हैं वो कब कहे? अभी कहे हैं। इसके पहले जब वो थे राज्यपाल तब क्यों नहीं बताए कि इतना आरडीए था? दबाव था, वही मैं पूछ रहा हूँ। अभी बोले हैं ना, इसके पहले क्यों नहीं बोले कि इतना आरडीए रखा था? ये भी बात है कि पहले क्यों नहीं कहा?
भाई साहब बोले कि मोदी जी ने बोले थे 15 लाख देने के लिए, ये कहीं साबित करके दिखा दें कि 15 लाख मोदी जी देने के लिए बोले थे। मोदी जी ने ये बोले थे कि काला धन इतना है उसको डिवाइड किया जाए तो प्रति व्यक्ति पर 15 लाख आएगा, ये बात है। इनको 15 लाख चाहिए, 15 लाख आप ही बोले थे, अभी आप ही बोले भाई। जिन लोगों को बोला था उनको चाहिए, हमें 15 लाख, हमें लालच नहीं है किसी चीज की, हमें किसी चीज की लालच नहीं है। हमें ना बच्चों के लिए रोजगार चाहिए और हमें महंगाई कम चाहिए, सीधी सी बात है। आप क्या कहेंगे? मैं तो ये कहूँगा घोड़ों को नहीं मिल रही घास, गधे खा रहे चमपरास। हमें कुछ नहीं चाहिए, भगवान ने हमारे हाथ पर सलामत कर रखे, हमें मोदी जी चाहिए बस, और कुछ चाहिए ही नहीं हमें मोदी जी के। ऐसी एक चीज और देखिए, जो ये बोलते हैं ना रोजगार नहीं है, उससे उसके पास रोजगार होता ही है, और कोई ऐसा नहीं है, वो भी झूठ व्यक्ति बोल रहा होता है। कोई यहाँ पर है जिसके पास रोजगार नहीं है? रोजगार करने के बाद आदमी खड़ा हो जाता है। हमारे पास तो मैडम रोजगार ही नहीं है, कुछ रोजगार नहीं है। नहीं, टी शर्ट पहनने से कुछ नहीं होता, आदमी ना कपड़े भी नंगा भी होता, वो भी कपड़े पहन के आता। हाँ, इस भाई ने भी देखो कागी पहन रखी है। वही होगा मैडम, आप कितने घोड़े खोल लो, क्या बोल रहे हैं ये भाई साहब? कुछ मैं कह रहा हूँ, आप कितने घोड़े खोल लो, कितना कर लो, जो मोदी चाहेगा वही होगा इस देश के अंदर, ये आप भी जानते और मैं भी जानता हूँ। ऐसा क्यों, ऐसा क्यों समझे नहीं? एक सिस्टम उसके हाथ में है, संविधान नहीं है। संविधान कहाँ है? संविधान आज के टाइम में कहाँ, मेरे को बताओ ना कहाँ रखा है संविधान आज के टाइम? संविधान के हिसाब से तो सब कुछ, आपकी संविधान के हिसाब से देश में कुछ भी नहीं हो रहा। ऐसा एक चीज बताइए जो चीज संविधान नहीं हो रहा है। ये बैठे हुए है, इनकी कोई सुनवाई कर रहा है? कहाँ संविधान बताओ ना आप मुझे, कहाँ संविधान? सुनवाई होनी चाहिए ना, बैठे किस कारण से बैठे हैं, हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, उन्होंने किसी ने एक्शन लिया कि भाई क्यों बैठे उनके, आप उनकी कोई FIR दर्ज नहीं हुई? अब हुई है जाके, अब हुई है जाके, अभी हुई है सुप्रीम, उसके कहने पे हुई है ना, उससे पहले क्या कर रहे थे आप लोग? तो क्या कहना है, देश संविधान से नहीं चल रहा है, संविधान नहीं बचा हुआ है, नहीं चल रहा, आप खुद जानती है इस चीज को, ये नीति से जान संविधान से जब चल रहा था, जब देश को है ना एकदम जेल बना के रख दिया था इंदिरा गांधी ने 75 में, जब संविधान से चल रहा था, जब सबको जेल में डाल दिया था, जब संविधान से चल रहा था, मैडम इनकी कोई गलती नहीं है, मैं खुद कह रहा हूँ इस चीज को, इनकी कोई गलती नहीं है, थोड़ा पढ़ते तो थोड़ा सा नॉलेज, इन्होंने कहा इनकी कोई गलती नहीं है, थोड़ा पढ़ लेते तो शायद समझ में आता। लेकिन हम इधर कुछ युवा है, आप लोग बात करना चाहेंगे? राहुल गांधी या मोदी जी? मोदी जी और कौन? और कोई नहीं, मोदी जी है। अगर राहुल गांधी क्यों, राहुल गांधी की टीम से अगर कोई आना है तो अच्छा नेता आए, जैसे कि खड़गे, मल्लिकार्जुन खड़गे, वो तो बुड्ढे हो गए काफी। तो क्या हो गया, मोदी जी कौन से जवान है? फिर भी उनसे तो जवानी, मोदी जी तो जवानी है उनसे, क्या मतलब, वो तो ऑप्शन है ना। हाँ ऑप्शन कह सकते, खड़गे जी तो समझदार है, ठीक है कह सकते हो, हाँ काफी नॉलेजेबल है, सही तरीके से मार्गदर्शन करे किसी को, वो अपना रिप्रेजेंट करे तो भी बेटर है। चलिए, इन्होंने कहा है कि कांग्रेस की तरफ से, आप क्या कहेंगे, कौन कौन, राहुल या मोदी? ऑलवेज मोदी, ऑलवेज मोदी, ऑलवेज मोदी। डाई हार्ट फैन है यहाँ पे मोदी के तो। चलो हम और बात, इधर एक पाजी हम इनसे बात करेंगे, क्या सरदार जी कौन बने, कौन अच्छे लगते हैं, राहुल या मोदी? देखो जी, जिस हिसाब से देश का नुकसान हो रहा है, मोदी जी को हम 2024 में नहीं जिताएंगे। ये कह रहे आएंगे तो मोदी आएंगे, मोदी आएंगे ये कहते हैं, कोई बात नहीं, इनकी गारंटी होगी, मैं कुछ नहीं कह सकता इसमें। और मैं ये चाहता हूँ कि भी चलो 2024 में जो है कांग्रेस का भी समर्थन होना चाहिए। हाँ। अभी आप देखो जो उच्च खिलाड़ी हैं जंतर मंतर पे, हाँ। उनको कैसे उठाया गया, आप इस समझो, इस बात को सोचो, जो गोल्ड मेडल्स हैं, सिल्वर गोल्ड लेके आए हमारे देश के लिए, उनके लिए क्या हल करा, संसद भवन का तो आप क्या कर रहे हो उद्घाटन, वहाँ पर उनको उठाया जा रहे हो, फिर हमारे देश के लिए कौन जाएगा गोल्ड मेडल्स लेने, कौन जाएगा बताइए, आप बता दीजिए, या आप वैसे वही कर्नाटक में बीजेपी हार गई है, हार गई है, कोई बात नहीं, उसकी बात नहीं कर सकता मैं, कर्नाटक के बारे में नहीं जान सकता, यहाँ के बारे में कह सकता हूँ, हिंदुस्तान के बारे में कह सकता हूँ। लेकिन और सारे काम तो किए हैं मोदी जी ने, जैसे कि विश्व पटल पे भारत का नाम रोशन किया है, विदेशों से संबंध, भारत का नाम रोशन किया नहीं किया, GDP का हाल देखो ना, GDP का हाल देखो, न्यूज़ चैनल वाले, मीडिया पे भरोसा नहीं है, मीडिया सब है उन्हीं की है, मीडिया की, मोदी की गोदी मीडिया है, उसके बारे में कुछ नहीं कह सकते आप, तो कौन से मीडिया आप पर आप ये बताओ, अभी कर्नाटक साइड में क्या हुआ है, मूर्तियां तोड़ी गई,
उनके बारे में कोई दिखाया जा रहा है मीडिया में? नहीं दिखाया जा रहा, इसके बारे में नहीं दिखाया जा रहा। संविधान से तो देश चल रहा है, संविधान से देश चल रहा है। नहीं चल रहा ना, आप खुद सोचिए इस बारे में, कोई झूठ नहीं बोलता। मोदी भगत है जो मोदी को जिताएंगे, बाकी नहीं सकते। क्या होता है फिर, मोदी भक्त है क्या? नहीं है तो मोदी भक्त पर क्या फायदा है इसका? क्या फायदा मतलब? कोई फायदा नहीं, कोई फायदा नहीं, मोदी जी कोई फायदा नहीं दे रहे हैं। अच्छे दिन तो आ गए, सबका साथ सबका विकास। किसके अच्छे दिन आ गए, हमारे दिन बुरे और आ गए। अच्छा चलो मैं आपको एक बात बोलता हूँ, दिल्ली हिंदुस्तान के अंदर रहते हैं आप, एक कार लेने जाते हो 8 लाख रुपए की है, आज ऑटो लेने जाओगे 7.5 लाख रुपए का है। आप बताओ 7.5 लाख की कीमत है इसकी? मुझे मोदी जी जवाब दे दे या केजरीवाल जी, मैं केजरीवाल के बारे में बोलता हूँ, बोलो क्या कहेंगे? ये केजरीवाल की गलती है, मोदी की गलती नहीं है। नहीं, केजरीवाल क्या है, केजरीवाल को एक मिनट, केजरीवाल को मोदी जी अकाउंट में देते हैं पैसा क्या दिल्ली चलाने के लिए? बताएं ये मोदी जी के बारे में। आधे से ज्यादा दिल्ली पुलिस जो है ना केंद्र के हाथ में है, और बहुत सारी केंद्र में होता सब कुछ। ऑटो की बात कर रहा हूँ, लेकिन ये कह रहे हैं बहुत अच्छी बात है, ये कह रहे हैं हूँ तो मोदी भक्त, लेकिन कोई फायदा नहीं है, कोई फायदा नहीं है। ये वो ही बताएगा जी, मोदी है तो हमें, मोदी नहीं तो कुछ भी नहीं। ये गुस्से में लग रहे हैं आप, बताइए। मैं कुछ नहीं बता, ये सुन रहा हूँ, कुछ तो कहें। मैडम सुन रहा हूँ, यही कहूँ मैं, दिल्ली का यूँ दिल्ली छे का हूँ मैं, मैंने सब देखा। केजरीवाल केजरीवाल कहेंगे कि हमने बसें फ्री कराई, सारी तमाम चीजें करी। केजरीवाल की तो हमें किसी बात पे विश्वास नहीं, किसी बात पे विश्वास नहीं केजरीवाल की। कौन सी बात पे विश्वास करते हो आप? हम सिर्फ मोदी, आप बताइए मोदी जी की किस बात पे विश्वास करते हैं? इनको जवाब दीजिए। इनको क्या जवाब दूं, मैं जानता नहीं हूँ, इनको जवाब दूं, इनको क्या जवाब दूं, मैं सब जानता हूँ, सारी हिस्ट्री जानता हूँ, इनको क्या जवाब दूं? मोदी जी के किस बात पे विश्वास? मोदी की हर बात पे, हर बात पे। 15 लाख पे दो उन्होंने कैसे दिए मैं बताऊं? घर मकान बनवाए हैं, टॉयलेट बनवाए हैं, राशन। इंदिरा गांधी का भी तो, इंदिरा ने कुछ, इंदिरा ने दिया, इंदिरा ने दिया। मोदी जी पैदा नहीं हुए थे हिंदुस्तान नहीं था क्या? जब मोदी जी पैदा नहीं होते तब हिंदुस्तान सब था, हमारे बाप दादा नहीं थे लोगों के, बताओ तब गरीब वो बोल रहे थे, गरीबी में। अच्छा रोजी रोजगार तो रोजी, अरे यार मेरी बात सुनो, रोजी रोजगार तो कोई छोड़ा ही नहीं है सरकार ने, गरीब आदमी तो मरता मर ही रहा है। ऑटो चला रहे हैं मोदी जी के राज में, मोदी जी के भक्त ऑटो चला रहे हैं। योगी हो जो दिल्ली को इसको हिंदुस्तान को काम करेगा वही अपना काम तो कर रहे हैं ना मोदी। मैडम रोजी रोजगार छोड़ा दिल्ली के अंदर, ये बताइए रोजी रोजगार? अभी मान लो कहीं प्राइवेट में भी नौकरी करने जाते हैं, ढूंढने जाते हैं, 8,000-9,000 जो सरकारी सैलरी होती है चेक करने जाते हैं। कौन नेता बनेगा? कोई बने ना बने आदमी को ये कहते हैं दो वक्त की रोटी का धंधा चाहिए। मोदी जी से खुश है? मैं तो किसी से खुश नहीं हूँ, मैं तो किसी मंत्री से खुश नहीं हूँ, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है कोई, मैं किसी से भी खुश नहीं हूँ, ना मैं किसी से दुख है। केजरीवाल है बिजली, बिजली पानी फ्री कर दिया, बिजली सुनो बिजली पानी किसका फ्री करा? मकान मालिकों का। किरायेदार आज भी डबल दे रहे हैं, किरायेदार कल भी डबल देते थे किरायेदार। केजरीवाल किस चीज पे आया? लोकपाल के लिए आया, पहली बार आया कांग्रेस के गठबंधन में तो बोला फुल बहुमत दो तो हम लोकपाल बिल पारित करेंगे। कहाँ गए लोकपाल बिल पारित? इनसे पूछिए जरा। छोड़िए मोदी जी क्या? अगर केजरीवाल ने पानी बिजली वो बिल फ्री करा है ना, तो दारू भी फ्री करी थी जो बर्बाद कर दिया आधे से आधा घर को, जो 10 रुपए की पीता था, जो 500 रुपए की। केजरीवाल को छोड़िए, तो फ्री काय के लिए करी थी? फ्री काय के लिए करी थी? तो तुम्हारे आगे फ्री में जहर रख दे तो जहर खा लोगे? पानी क्यों ले रहे थे? पानी अभी मैं सीपी में मौजूद हूँ, और आपने देखा कि हमने तमाम लोगों से बात की, राहुल गांधी वर्सेस मोदी के बीच में केजरीवाल ने एंट्री ले ली। हालांकि लोग केजरीवाल की बहुत सारी चीज़ों का सराहना करते हैं, लेकिन वहीं पे शराब को जो फ्री करने की बात थी और पानी बिजली मुफ्त करने की जो बात थी जो फ्री में दे रहे थे वो आम जनता तक नहीं पहुंच पा रहा है, और शराब जो फ्री है वो जो लोग पी रहे हैं उस पर केजरीवाल को जिम्मेदार कह रहे हैं। हालांकि उस पर कुछ युवकों ने कहा है, कुछ युवाओं ने कहा है कि किसी के मुँह में तो पिलाने नहीं जाते। उस पर कुछ लोगों ने मोदी जी की योजनाओं पर कटाक्ष करते हुए कहा कि 2 लाख नौकरियाँ 15 लाख रुपये कहाँ गए। ये सारे सवालों के साथ मेरे साथ जुड़े रहिए, हम मिलेंगे अगली खबर के साथ। धन्यवाद।